নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গেমিং সুব্রত ইউটিউব চ্যানেলে আরেকটা নতুন ভিডিওতে। তো গাইস ইসকা হিন্দি হ্যায় আপ সবকে স্বাগত করতা হুঁ মেরা গেমিং সুব্রত ইউটিউব চ্যানেল কে এক অর নয়ে ভিডিও কে অন্দর। মেরা নাম সুব্রত হ্যায় অর মেরা গাঁও মে জ্যাদাতর লোক মেরে কো গেমিং সুব্রত নাম সে পহচানতে হ্যায়। मैं वेस्ट बंगाल सा एक छोटा सा गांव मानकड़ में रहता हूं और मेरे यहां पे गांव पे ज़्यादातर खेती करते हैं। मेरे को होटल मैनेजमेंट का बहुत शौक था तो होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। मैं बहुत रोया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोया था क्योंकि मेरा सारे सपना ही टूट गया। गांव में जितने भी लड़का है वो लोग पढ़ाई करने के बाद बाहर चले जाते, कोई दिल्ली मुंबई बेंगलोर, और ऐसे लगा कि मैं क्या हूँ। तो गांव में कुछ था नहीं करने के लिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खेती ही होता है। तो मेरे पापा खेत में काम करते थे तो मैं भी मेरे पापा के साथ ही काम करता था, हल चलाता था पूरा 6-7 घंटे। तो वो सब करते करते मेरा हालत ख़राब हो जाता था, पैर छिल जाता था, बहुत ही बुरा हालत होता हो जाता था। पापा बार बार बोलते थे कि बाहर चले जाओ, उधर अच्छा पैसा मिलता है। जब मैं 17 साल के था तब मैं बेंगलोर काम पे चला गया, वहाँ पे बर्तन वर्तन धोता था होटल में। वहाँ पे 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था और सैलरी मिलता था 9000। दिन में काम करते थे और रात में आके 4 बंदे एक साथ रूम पे रहते थे। मेरा रूम था एक छोटा सा, उसमें हम 4 बंदे ही मुश्किल से आ पाते थे, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि एक अच्छा गेम है जिसमें हम लोग 4 बंदे एक साथ खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो उसने बोला कि फ्री फायर इंस्टॉल कर। तो मैंने फ्री फायर इंस्टॉल किया, खेला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जब मेरा 1 महीना हो गया था उसके बाद नेक्स्ट महीने का जो सैलरी है वो 9000 के जगह पे ना 7000 मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के मैं अपने गांव मानकड़ में आ गया। तो जब मैं बेंगलोर से ऑफिस आ गया गांव पे तो मम्मी पापा बहुत गुस्सा थे कि अब मैं काम क्या करूँगा। मैं जब भी डांटता था मैं बाहर चला जाता था, बाहर चल के दोस्तों के साथ मैं गेम खेलता था। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त ने बोला कि यूट्यूब में कोई फ्री फायर का वीडियो डालता भी है और पैसे भी कमाता है। मैंने सोचा कि मैं भी फ्री फायर खेलता हूँ, मैं भी फ्री फायर का वीडियो डाल सकता हूँ। तो मैंने भी धीरे धीरे फ्री फायर का वीडियो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया। घर में तो उतना अच्छा इंटरनेट था नहीं तो मैं घर से बहुत दूर जाता था और वहाँ पे 4-5 घंटे लग जाते थे वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए। लेकिन मैं करता था वीडियो हिंदी में, ठीक है। तो दोस्त लोग बोल रहे थे कि तू हिंदी में करता है तो बंगाली में करना, हिंदी में क्यों कर रहे, इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता। तो दोस्तों के बात सुन के मैं बंगाली में चैनल खोला और बंगाली में वीडियो डालने लगा। तो क्या हुआ, 30-40 व्यूज आ जाता था और दिन में 1 सब्सक्राइबर बढ़ता, 2 सब्सक्राइबर बढ़ता था। अरे भाई बहुत खुश है, दोस्तों को दिखाता था जो मेरा आज देख 1 सब्सक्राइबर बढ़ा, कल 2 सब्सक्राइबर, ऐसे ऐसे बहुत खुश था। जैसे जैसे वीडियो बना रहा था तो 5वां वीडियो मेरा हो गया वायरल, उसमें 3 लाख के ऊपर व्यूज आया। और मतलब इतना खुशी हुआ मैं कि पहले बार मेरा वीडियो वायरल गया था और बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे थे। जब भी मैं गांव में वीडियो बनाना था उसके बाद लोग देखते थे तो मुझे हंसते थे कि ये फ़ोन पे क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है। बहुत लोग पागल भी बोलते थे, मतलब मैं यही समझता हूँ कि अगर आदमी के अंदर पागलपन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, अगर उसके अंदर पागलपन है तभी वो कुछ कर सकता है। एक दिन मुझे फ्री फायर की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला 2000 का, तो मुझे और भी स्पॉन्सरशिप मिलने लगा और धीरे धीरे मैंने पैसे इकट्ठे किया। उसके बाद मैंने घर पे वाईफाई भी लगा दिया। अभी जहाँ पे मैं पेड़ के पास जहाँ पे वीडियो अपलोड करता था बनाता था वहाँ पे 2-3 घंटा मेरे का एक वीडियो डालने का लग जाता था अपलोड करने में। अभी जो घर पे है वो सिर्फ 2-3 मिनट लेता है एक वीडियो अपलोड होने में क्योंकि इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा हो गया है। अभी मेरा चैनल पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है। अभी गांव वाले जो लोग हंसते हैं अभी वो लोग बोलते हैं तू बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तू स्टार बन चुका है। अभी जो गांव का जो बच्चे बच्चे हैं वो भी मेरे को देख के फ्री फायर खेलते हैं, वो भी स्ट्रीमर बनना चाहता है। अभी मेरे को लगता है मैं भी कुछ बन चुका हूँ। সুব্রত আমার কাজকর্ম করছে, গেমিং সুব্রত হয়েছে, এখন সবাই বাড়িতে আসছে, দেখছে, কথাবার্তা বলছে, ফটো তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এখন খুব বড় নাম হয়ে গেছে। খুব ভালোই লাগে, খুব আনন্দ লাগে আমার।
প্রথম প্রথম ভাবলাম কি করছিস তুই, এইগুলো নিয়ে পড়ে থাকছিস কেন, যে খুব ভালো সবাই যেন ওকে চেনে আরো বড়। মেরা মামি বাবা তো খুশ হই আর মে আপনে লিয়ে বুলেট ভি খরিদ লিয়া, কিউকি মুঝে বহুত শখ থে আচ্ছা সা বাইক আর বুলেট কা বহুত জ্যাদা শখ থে মুঝে, তো মেনে ও খরিদ লিয়া। एंड अभी भी मेरा सपना है कि मैं एक मकान बनाऊँ, घर बनाऊँ जिसमें मम्मी के लिए फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी रहे, मेरा जो भैंस और गाय है वो भी खुश रहे, वो भी मेरा फैमिली है। प्रॉब्लम बहुत थी मेरा लाइफ में, लेकिन गेम खेल के मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखा, प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उससे लड़ के आगे बढ़ना है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है, विलेन सामने खड़ा है, रास्ता डिफिकल्ट है, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आगे उससे भी बड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो उससे भी लड़ लेंगे।